अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगा 39 ईस्ट की डिश सेटिंग। ये देखें, ये के यू बैंड पर मैंने सेट की है 4 फीट की डिश पर। तो अब मैं ये इसको सेलेक्ट कर लूँ, ट्रांसपोंडर आप नोट कर लें, और भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से ट्रांसपोंडर अच्छे सिग्नल देते हैं। तो मैं अब इसी पीपी पर ही डिश की सेटिंग करने वाला हूँ। तो मैं सिग्नल थोड़ा बड़े कर लूँ, तो चलते हैं डिश की जानब। ये देखिए, ये मेरा डिश बाग सेट के ऊपर सेट था, तो मैं इसको अब थोड़ा डाउन करूँगा, तकरीबन 2 इंच नीचे डाउन करूँगा डिश को। उसके बाद तकरीबन 2-3 सौत्र इसको घुमाए। अच्छा, तो देखते हैं हमारे सिग्नल आए हैं कि नहीं आए। तो मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, तो हमारे सिग्नल आ गए हैं। ये देखें, बहुत ही आसानी से आए हैं इसके सिग्नल। उसके बाद देखते हैं और कौन कौन से चैनल चलते हैं। ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स देखते हैं, ये देखिए इसके भी सिग्नल आ रहे हैं AMC नेटवर्क। उसके बाद ये जो एनिमल प्लेनेट HD, ये तो पैकेज वाले चैनल हैं। अच्छा, उसके बाद ये कार्टून नेटवर्क हिंदी, ये भी पैकेज में है। ये बिलिंग्स, ये बिलिंग बॉक्स ऑफिस, इसके देखते सिग्नल दे देखें, इसके भी सिग्नल अच्छे आ रहे हैं। ये कुछ, ये देखिए, ये बिलिंग स्पोर्ट्स का चैनल जो फ्री में चला हुआ है, ये अच्छी खबर है कि ये चैनल पाकिस्तान में रसीब होना शुरू हो गया है, वरना ये बड़ी डिश पर ही रसीब होते थे। ये देखें, और भी चैनल इस पर आए हैं। ये देखें अल जज़ीरा के, कतर TV, बिलियन स्पोर्ट्स। ये देखिए, इसके सिग्नल और भी बढ़ा सकते हैं अगर थोड़ा सा डिश को ऊपर नीचे करें तो। ये देखिए, ये थोड़ा इसके सिग्नल मेरे ख्याल से कम आ रहे हैं, तो इसलिए ये, तो अगर मैं सर्च करूं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो कोशिश करूंगा कि ये छोटी ही वीडियो बनाऊं। बस आपको दिखा रही था कि कैसे डिश की सेटिंग करनी है और कौन सा चैनल लगा कर आपने डिश की सेटिंग करनी है। इस, ये देखिए, ये पैड चैनल है आउटडोर HD। ये देखें, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।